हेलो गाइज, आई एम हेतराम फ्रॉम नॉलेज ऑफ रॉयल इनफील्ड। तो आज बात करेंगे हम कि अगर आपकी बुलेट की, यानी कि आपकी क्लासिक हो, इलेक्ट्रा हो, स्टैंडर्ड हो, न्यू मॉडल की, अगर उसकी एक्सलेटर वायर टूट जाए, मेरा मतलब थ्रॉटल केबल टूट जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर थ्रॉटल केबल टूट जाएगी तो आप एक्सलेटर कैसे देंगे बाइक में, तो वो मैं आपको बताऊँगा। एक भाई ने देखे क्या जुगाड़ किया है, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है। चलिए मैं आपको बाइक दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बाइक है और इसके एक्सलेटर की तार टूट गई है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो अब आप, ये तो चल नहीं पाएगा क्योंकि ये तो बिल्कुल फ्री हो गया है। इसके बाद इस भाई ने क्या किया देखिए, ये एक रस्सी लगाई है, और रस्सी कहाँ लगाई है, ये देखिए, इसमें रस्सी लगाई है भाई ने। इससे क्या है, जब आप इसको यूं खींचोगे यानी कि जैसे घोड़े की लगाम होती है, जैसे उसकी लगाम खींचते हैं, ऐसा भाई ने सिस्टम बनाया है। ये देखिए, अगर आप ज़्यादा दूर फंस गए हों तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो स्क्रू होता है, ये देखिए, ये जो स्क्रू है, आप इसको टाइट कर सकते हैं, लेकिन इसका जाम पड़ा हुआ है तो ये फरीदाबाद है हमारे यहाँ पे, इसमें क्या है, यहाँ के पानी में काफ़ी खारापन है, तो इससे क्या है कि जो हमारे लोहे के पार्ट्स हैं उनमें जंग जल्दी लग जाता है, लेकिन शायद आपके वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इसको घुमा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी गाड़ी, और अगर आपके, तो ये जो स्क्रू है ये जाम है, लेकिन आपकी घर से अगर आप जो बुलेट की दुकान है या कोई बाइक की दुकान है और आपको एक्सलेटर केबल डलवानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये इसका चौक होता है, देखिए ये इसका चौक, आप इसको खींच सकते हैं। देखिए आरपीएम बढ़ गया इसका, तो जब आप चौक खींच दोगे तो इसका आरपीएम बढ़ जाएगा, तो आरपीएम पे करीब 30 की स्पीड में आपकी बाइक चल सकती है आराम से। तो आप नियर बाय जो कोई शॉप है, बुलेट की शॉप है, आप वहाँ पे जाके एक्सलेटर की तार इसकी चेंज करा सकते हैं। तो सेम चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ स्टैंडर्ड में, क्योंकि उसका जो स्क्रू है वो जाम नहीं है। ये देखिए, ये स्टैंडर्ड खड़ी है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने स्टार्ट कर दिए, बट इसकी जो एक्सलेटर की तार है वो टूटी नहीं है, और ये देखिए, ये इसका स्क्रू है। उस बाइक का तो जाम था क्योंकि वो खड़ी ज़्यादा रहती है, और ये दिल्ली की बाइक है, तो दिल्ली का जो पानी है वो सॉल्टी नहीं है, और उसके पार्ट्स में जंग भी नहीं लगता जल्दी से। तो ये देखिए, मैं इसके स्क्रू से इसकी जो थ्रॉटल है उसको बढ़ाता हूँ आरपीएम को। तो गाइज, आप अपने आरपीएम को ऐसे बढ़ा के अपनी बाइक को 30 से 35 की स्पीड पे चला सकते हैं, उसके बाद इसमें जो आपकी एक्सलेटर केबल है वो डलवा सकते हैं। तो
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी वीडियो इसलिए मैं आपके लिए बनाता रहूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके।